नमस्कार दोस्तों, रंग में जो आप हरी हरी देखते हैं दूब घास होती है, ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसीलिए पोषक तत्वों से भरपूर दुर्वा घास यानी कि दूब घास का इस्तेमाल करके आप सेहतमंद रह सकते हैं, बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। आप देखते भी हैं कि हम जो गांव के लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि दुर्वा घास से ही खाती थी जो गाय है, भैंस है, और इतना अच्छा, इतना मीठा दूध देती थी और वो स्वस्थ भी रहती थी। बहुत ज़्यादा उनको हार्ट की समस्या और ये समस्याएँ नहीं होती थी कि उनको लेके जा रहे हैं आप हार्ट का इलाज कराने के लिए। तो ये बहुत अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है इंसानों के लिए भी, अगर आपको सही से इस्तेमाल करना आता है तो। और आज की एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज यानी कि मधुमेह से परेशान हैं बहुत सारे लोग। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो दुर्वा घास यानी कि दूब घास का सेवन कीजिए, जिसे पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत फायदेमंद होगा। दुर्वा घास कई सारे पोषक तत्वों से भरी हुई है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती है बॉडी में। इसके अलावा महिलाओं के लिए ये रामबाण औषधि है। अगर इरेगुलर पीरियड्स का आप सामना कर रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। क्या करना है, नियमित पीरियड नहीं आ रहा है आपका, तो इसके लिए आप इसका जूस पीजिए। जी हाँ, ये आपके ब्लड के फ्लो की दिक्कत भी दूर करेगा और आपके इरेगुलर पीरियड की समस्या को दूर करेगा। इसके लिए आपको दुर्वा घास का जूस पीना होगा। दुर्वा घास लाइए, उसका जूस बना करके सेवन कीजिए, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जी हाँ, पोषक तत्वों से भरपूर चुकी है, मैंने आपको बताया, तो शरीर को बीमारियों से बचाएगा। अगर पोषक तत्व हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इसका सेवन करेंगे तो आपको बीमारियों से ये बचाएगा। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत मददगार है। और चूँकि ये उपाय इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो अमीर हैं, गरीब हैं, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से आपको मिल भी जाएगी। नहीं है कि इसको ढूंढने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट करना पड़े। तो दुर्वा घास लाइए और दुर्वा घास को धो दीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसके बाद उसका जूस बना लीजिए, उसका सेवन कीजिए, आपको आँखों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जी हाँ, आँख दर्द की समस्या है। अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, जो कि आप पूरे दिन इस्तेमाल करते रहते हैं, आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि चाहे अमीर हो या गरीब, मोबाइल तो इस्तेमाल एटलीस्ट कर ही रहा है, तो आँखों में दर्द और जलन होने लगता है। दुर्वा घास का इस्तेमाल कीजिए, इसके पेस्ट को आप कुछ देर के लिए आंखों पर लगा करके छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा समस्या होने लगी है, दर्द जलन होने लगी है आंखों में, तो आंखों पर इसको लगा करके क्या कीजिए, एक कपड़ा लीजिए सूती, और उसमें आप इस दुर्वा घास को पीस करके रख दीजिए और उस कपड़े को आप रखिए आंखों पर और लेट जाइए थोड़ी देर के लिए, आप देखेंगे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसका अलावा आप इसका सेवन भी कीजिए, कमाल की औषधि के रूप में कार्य करेगी। ये हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करेगी जब हम इसे अपने शरीर में लेंगे तो। जी हाँ, पाचन से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर करती है, डाइजेशन को बेहतर बनाती है, हेल्दी बनाती है। तो इसलिए दुर्वा घास का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए और लाभ लीजिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते आप अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिख भेजिए, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।